अगले साल का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपनी अपनी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तो वहीं खबर है कि इस कतार में दिल्ली सरकार भी लगी हुई है। खबर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर इस मुद्दे को लेकर दो अहम बैठकें होने वाली हैं, जिसके चलते सीएम केजरीवाल ने आज सुबह सभी विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया था। इसमें दिल्ली के मसले पर चर्चा हुई। तो वहीं सीएम आवास पर आज दोपहर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। खास बात यह है कि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 24 लोग शामिल होने वाले हैं, जिसमें कुमार विश्वास के आने की भी आशंका जताई जा रही है। बता दें कि सीएम पहली बैठक में राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के मामले पर चर्चा करेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के मामले पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ दिख सकती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।